उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मामले हैं, सनातन धर्म तो एक ही है। गिरफ्तारी छोड़ते हैं एक नेता द्वारा जिस प्रकार से संत समाज को लेकर, सनातनी को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर और महिलाओं के चरित्र को लेकर बोला गया, उसके बाद बवाल आरंभ हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। वो कहें कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने वाले नित्य शास्त्री ने दिल्ली में जब एक नेता के बारे में इस प्रकार की चर्चा की, वो बयान भी अब वायरल हो रहे हैं और जनता अब एक दूसरे की प्रतिक्रिया कर रही है। लोधी समाज बना ब्राह्मण समाज की नजर आ रही है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। यह प्रकरण मात्र ब्राह्मण और लोधी समाज के बीच का नहीं है, ये सनातन धर्म का अपमान है। जो संत, जो महात्मा सनातन धर्म को, समस्त हिंदुओं को एकीकरण करने का कार्य कर रहे हैं, ये उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र है। उन्होंने महिलाओं के चरित्र पर भी आवाज उठाई। उन्होंने, ये महिलाओं का नहीं, ये नारी शक्ति का नहीं, ये माँ दुर्गा का अपमान है। सनातन धर्म में महिलाओं को, नारी को एक शक्ति के रूप में जाना जाता है, माँ दुर्गा के रूप में जाना अभी जाता तक बाहर के हिंदू में। कानूनी कार्रवाई जिस प्रकार से की जानी चाहिए उस प्रकार से अभी नहीं की। क्या मांग करेंगे? मांग ये है कि अगर प्रशासन कानूनी कार्रवाई नहीं करता है तो सत्य सनातन धर्म के पीछे सर्व हिंदू समाज इतना उग्र आंदोलन करेगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। क्या नाम जी? अमित। अमित जी क्या कहेंगे? जो तथाकथित नेता ने जो बयान दिया है पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार के ऊपर, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को कहां तक पहुंचाया है? देश विदेश में भी उनके बल रिकॉर्ड बन रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस प्रवृत्ति के आदमी को मेरी ओर से समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, इन्हें तत्काल प्रभाव से जेल में डालना चाहिए। उन्होंने जैसे अब लोधी बना ब्राह्मण हो रहा है, इसके क्या कहेंगे? लोधी बनाम ब्राह्मण वो एक नेता है, नेता का काम है अगर उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए, अगर टीआरपी चाहिए अपने में, उन्हें चुनाव जीतना है तो उनका काम है वो समाज को बांटेंगे, समाज को डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो पूज्य गुरुदेव जी महाराज हैं वो सनातन संस्कृति को एकीकृत कर रहे हैं। सनातन का धर्म है कि सब समाज सर्वसम्मति समाज को एक साथ लेके चले, लेकिन इनका काम है सिर्फ समाज के उससे समाज के नाम से लोगों को तोड़ना। सनातन बत्तू जी, अगर आप महाराजा भैया जी बता रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, गंदी राजनीति, समाज को बांट रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, कोई ना कोई इन्हें विपक्षी माने कर रहा है, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। सुनने में आया महाभारती के रिश्तेदार भी ये तथाकथित रूप से सुनने में तो आ रहा है, अब है या नहीं इनकी जानकारी कैसे हुआ? इतना जन सैलाब इकट्ठा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी भी डरा रही है, दब रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि उमा भारती जी का नाम लेकर क्या वो साधवी है? जनता का नहीं चलती, क्या वो सत्य नहीं है? वो साधवी है, उसके बाद वो नेता बनी, कैसे बनी? सर्व समाज ने बनाया। उमा भारती जी का खामोश क्यों है? क्यों आवाज नहीं? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए जी। क्या नाम? जी बंदारा जी बताए पूरे प्रकरण पर। प्रकरण पर मेरी ये राय है कि ये तो लोधी समाज और ब्राह्मण समाज हो रहा है, लेकिन इसका सही दुरुपयोग हो रहा है महिलाओं पर अवश्य, क्योंकि जो संत अपना अपने धर्म का बारे में बताता है, समझाता है, आज उनके विषय में ये बताया जा रहा है कि वो महिलाओं को देखते हैं और अपनी आंखों से छेड़ते हैं, तो ऐसे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और महिला आयोग से मैं निवेदन करता हूँ कि इनके ऊपर FIR करके इनको तत्काल जेल में डालें। जी बताइए क्या नाम? हाँ ब्रजेश जी बताएं आप क्या कहेंगे? जो प्रीतम जी, प्रीतम सिंह जी लोधी जी बोले हैं ये बहुत गलत है और इन्हें पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी की मांग है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष जी हैं, सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? प्रीतम लोधी ने जो कहा है महिलाओं को लेकर, बड़े बड़े संत व्यासपीठ से तारते हैं। ओछी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं,
अब समाज में, इस आजाद भारत में ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो जाति को बांटने की बात अभी तक भारतीय जनता पार्टी तो अंदर करें थी। अब भाई वेरिफिकेशन कराए भाजपा पहले कि जी किस मानसिकता के लोग हैं। मानसिकता तो उनकी उजागर बाद में होती है कि जी किस मानसिकता के लोग हैं। जब उनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी को पता चली कि दूषित है तो उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा महिलाओं के बारे में, उस पे क्या? नहीं गलत है, महिलाएं पूजनीय है हमारे यहाँ, महिलाएं कथा सुनने जाती है, बड़े बड़े संतों के पास कथा सुनने जाती है, तो क्या हर जगह ऐसी चल रहा? नहीं गलत है, घोर निंदनीय है, महिलाएं पूजनीय है, संतों के लिए भी पूजनीय है। संत प्रत्येक महिला को माता का दर्जा देते हैं और माँ समान उनकी पूजा करते हैं और संबोधन में भी हमेशा माता कह के ही उनको पुकारते हैं। नहीं कहीं ना कहीं महिला के चरित्र पर उन्होंने उंगलियां नहीं उठा दी प्रीतम लोधी ने? नहीं, मुकदमा होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को और समाज से बहिष्कृत होना चाहिए। और हम एक जात की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी जात का व्यक्ति हो अगर किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी और अशब्द का प्रयोग करता है, ऐसे व्यक्ति को पूरी समाज को एक होकर बहिष्कार करना चाहिए। अच्छा, मध्य प्रदेश की घटना है, उत्तर प्रदेश में बवाल हो रहा है? नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ये प्रशासनिक मामले हैं, सनातन धर्म तो एक ही है, पूरा भारत एक है, मैं माताएं बहनें सब एक हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से कोई मतलब नहीं, उसका उसका विरोध तो पूरे देश में, पूरे विश्व में होना चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तारी जरूर। जी जी, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए और आगे से उन ऐसी मानसिकता वालों को एक सीख मिलनी चाहिए कि कभी भी महिलाओं पे, सनातन धर्म पे कभी भी टिप्पणी ना करें। जी बताइए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, अति शीघ्र होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो ये मामला कितना बढ़ेगा। प्रशासन चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे कर रहे हैं, उनके शक्ति प्रदर्शन में आपको क्या सनातन के प्रति कोई दृष्टिकोण नजर आता है? वो सिर्फ जातिवादी, वो तो अभी कह रहे हैं कि मुझे उस पार्टी में जाना है जो पार्टी हमें धर्म के खिलाफ में बोलने का रोक टोक ना करे। है ना, ऐसी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हैं। सर्वप्रथम तो जो अपने आप को बताती है कि इस देश को उसने आजाद कराया, जबकि ये देश का विभाजन है, धर्म के नाम पर धर्म को गाली दे रहे हो आप, कैसे सनातन हो ही नहीं सकते, सनातन धर्म के हो ही नहीं सकते। गिरफ्तारी हो, तत्काल गिरफ्तारी, गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी इनकी होनी चाहिए और मेरा राज्य सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अगर इनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सभी सनातनी भाई, हिंदू भाई अनशन पे बैठेंगे और ये आज छोटा सा आंदोलन बहुत भव्य रूप ले लेगा। तो सभी लोगों की तरफ से मांग उठ रही है कि तत्काल गिरफ्तारी हो। प्रीतम लोधी ने जिस प्रकार से मातृशक्ति के बारे में बोला है, महिलाओं पर आरोप लगाए हैं, या सीधे सीधे व्यासपीठ से बहुत कुछ उठे ऐसी बातें बोली हैं जो अमर्यादित हैं, इसको लेके आक्रोश है और महिला मातृशक्ति के चरित्र के ऊपर सीधी सीधी उंगलियां उठ रही है। महिला आयोग से भी अपील की जा रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग से भी अपील की जा रही है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान लें और वो वहां से मुकदमा दर्ज कराए। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रदेश सरकार है, चाहे यूपी की हो चाहे एमपी की हो, दोनों सरकारों में इस समय स्वतंत्रता बढ़ती हुई नजर आ रही है और कुछ भी अप्रिय ना हो, किसी प्रकार की जातिगत हिंसा ना हो, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है। नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।